नाज़रीन किराम, आपको कुछ जो है आपको इल्म तजवीद से मुतालिक में आगाही देता हूँ, बल्कि आपको इन हरूफ से मुतालिक कि देखें, आप टीवी स्क्रीन पर अलिफ से लेकर या तक ये हरूफ लिखे हुए हैं, नज़र आ रहे हैं आपको अलिफ से लेकर या तक। अब देखें, अलिफ से लेकर जो या तक के हरूफ हैं, इनके नाम इसको कहते हैं हरूफ मुफरदात या हरूफ तहजी कहते हैं। अब यहाँ जो ये हरूफ लिखे गए हैं, तरतीब से लिखे गए हैं। तरतीब से ये है, यानी कि अलिफ के बाद बा आती है, बा के बाद ता है, फिर था है, फिर जीम है, इस तरीके से। और अगर इनको आप मखारिज की सूरत में याद करें, जिस तरीके से आज मैंने प्रैक्टिस करवाई है, जैसे कि हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा, ये हरूफ हल्किया में से हैं। और इसी तरीके से फिर बकिया हरूफ जीम शीन या, ये हरूफ शजरिया में से हैं। को दाल और ता, ये जो है क्या है, हरूफ नितईया में से हैं। था दाल वा, ये हरूफ लिसविया में से हैं। कैफ और कौफ, ये हरूफ लहविया में से हैं। इसी तरीके से बा फा मीम वाव, ये हरूफ शफविया में से हैं। इसी तरीके से लाम नून रा, इनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार और कोशिश कीजिए। सा था और सीन में फ़र्क कीजिए, सौद और सीन में फ़र्क कीजिए, हा और हा में फ़र्क कीजिए। इसी तरीके से बकिया हरूफ में फ़र्क करते चले जाइए और इनकी अदायगी करते वक्त इनके साउंड की प्रैक्टिस कीजिए। बार बार जानिब इंशाल्लाह तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी नाज़रीन किराम। इसी तरीके से मेरी तो कोशिश यही होती है कि आपकी तवज्जो दिलाई जाए, बाकी मेहनत सारी आपकी है और यकीनन आप हजरात मेहनत करते हैं और आज उसका रिज़ल्ट भी सामने आ रहा है। लेकिन जो मेहनत नहीं करते वो यकीनन आज हाथों पे हाथ रखकर तो बैठते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते तो उसका रिज़ल्ट भी उन्हीं के सामने मौजूद होगा। इसी तरीके से मेहनत जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा इनकलाब आएगा और यकीनन आपके कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयात मुक़दसा की तिलावत का हक़ अदा होता चला जाएगा।